तो चलो गाइस अब स्टार्ट करते हैं। इधर पूरी मिट्टी मिट्टी है और यहाँ पे मस्त घुमाते हैं गाड़ी ऑफ रोडिंग में। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस अभी सुबह के बज रहे हैं 6:40 और मैं आज नहा धो के जल्दी रेडी हो गया हूँ, बिकॉज आज हमको जाना है दिल्ली अपनी फॉर्च्यूनर को ठीक कराने के लिए। मतलब कितना टाइम हो गया ठोके हुए, उसको अभी तक ठीक ही नहीं कराई थी क्योंकि पार्ट्स ही नहीं मिल रहे थे। तो अब जाके उसके पार्ट्स मिले हैं और हमको टाइम मिला है दिल्ली आने का। तो होपफुली 2 दिन में हमारी फॉर्च्यूनर ठीक हो जाएगी, इसीलिए अभी सुबह सुबह मैं निकल रहा हूँ दिल्ली के लिए। बिकॉज यार गाड़ी ठीक कराना बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज नई गाड़ी यार ठुकी हुई अच्छी नहीं लगती ना, और चलाने में मजा नहीं आता ना। तो अभी जल्दी से सारा सामान पैक करते हैं और निकलते हैं 7 बजे तक, ताकि सुबह सुबह हम निकल ले और जल्दी दिल्ली पहुंच जाए, अपनी गाड़ी दे दूं मैं उनको, जल्दी मेरे को वापस मिल जाए। और आज मेरे साथ साहिल या पीयूष नहीं जा रहे हैं, बिकॉज वो हमेशा लेट करते हैं। तो आज मेरे साथ में शुभम जा रहे हैं और पापा जी जा रहे हैं फर्स्ट टाइम। तो जल्दी से चाय पीते हैं और निकलते हैं। आज तो फर्स्ट टाइम पापा जी भी दिल्ली। तो अभी गाइस 7 बज चुके हैं, अब जल्दी निकलते हैं हम और पहुंच जाएंगे आई थिंक 11-12 बजे तक पहुंच जाएंगे, फिर गाड़ी दे देंगे, उसके बाद फिर देखने क्या करना है। हमको बिना गाड़ी के रहना पड़ेगा 2-3 दिन दिल्ली में। सुबह सुबह पूरा रास्ता खाली है देखो, तो हम आराम से 100 तक चल सकते हैं और जल्दी पहुंच जाएंगे दिल्ली। हनुमान चालीसा लगाना, हनुमान चालीसा मेरे फोन में। तो अभी गाइस सिर्फ 100 किलोमीटर रह गया और यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो गई है। सही, अपनी गाड़ी धुल जाएगी, बहुत टाइम से गाड़ी धोई नहीं है। तो फाइनली गाइस दिल्ली पहुंच चुके हैं हम और अब जा रहे हैं अपनी डेस्टिनेशन पे टोयोटा शोरूम। यहाँ से अराउंड 26 किलोमीटर है, तो 40 मिनट दिखा रहा है। ये वाला पुल देखो गाइस कितना खतरनाक लग रहा है और बारिश भी नहीं लग रही इसकी वजह से। यहाँ से 2 किलोमीटर है क्या बस, लेकिन ये जगह मस्त लग रही है, खुली खुली जगह एकदम। तो फाइनली गाइस टोयोटा पहुंच चुके हैं। सर कोरोना का दोनों डोज लग चुका है सबको? हाँ लग चुका है। एक बार मैसेज दिखाएं साहब, ये कह रहे गाड़ी में सारा सामान निकाल लो। तो गाइस इनसे मिलो, ये हैं अज्जू भाई, आप जानते होंगे वैसे, इनकी ये फॉर्च्यूनर बहुत ज्यादा फेमस है। तो मैंने इनको बोला था कि पार्ट्स चाहिए थे, तो ये कहते हैं हम करवा देंगे, तो इन्होंने करवा दिया। अभी फिलहाल हमारी गाड़ी वहाँ खड़ी है, करवा देंगे काम। नहीं मेरे पार्ट्स ले जाओ, मैं अपने लगवाता रहूंगा। अरे नहीं ये वाली फॉर्च्यूनर तो बिल्कुल ही अलग है, देखो इसमें ये लगा हुआ देखो। तो अभी गाइस गाड़ी इनको दिखा दी है और ये कह रहे हैं कि 60-70 हज़ार रुपए लगेंगे अगर मैं कैश में कराऊंगा। तो 60-70 हज़ार रुपए मैं क्यों दूं यार, अगर मैंने इंश्योरेंस ले रखा तो हम इंश्योरेंस में कराएंगे इसको, तो 2-3 दिन में हमको गाड़ी मिल जाएगी। तो गाड़ी हमको देनी पड़ेगी यहाँ पे और तब तक हमको दिल्ली रुकना पड़ेगा जब तक हमारी गाड़ी ठीक नहीं जाती। इसीलिए मैं सामान नहीं लेके आया, पता एक यही बैग लेके आया हूँ, बस मेन तुम्हारी गाड़ी ठीक हो जाए यार। एक काम कर ले उसको ना स्टेपनी के अंदर डाल दो, स्टेपनी ना डाल लेंगे। नई नई चीजें देखने को मिल रही है, टायर भी फटा पड़ा है देखो, चिपका देंगे ये पता नहीं कब फट गया। तो अब चलो अज्जू भाई की हम फॉर्च्यूनर देखते हैं जो कि मैनुअल है, ऑटोमेटिक नहीं है। और ये 2016 मॉडल है लेकिन लग नहीं 2016 की है, मेरी वाली से भी नहीं लग रही है। चलो अब चलाते हैं अज्जू भाई की। मेरी वाली का डोर ज्यादा हैवी है लेकिन इसमें गियर है, गियर लगाने पड़ेंगे, बाकी तो ऑलमोस्ट सेम ही लग रही है और तो कुछ डिफरेंस लग नहीं रहा। बाकी बाहर बारिश हो रही है तगड़ी वाली भाई, जब से हम निकले हैं ना बारिश तो रुकी नहीं है। तो अभी गाइस फिलहाल हम जा रहे हैं भैया के घर पे और इस वाली फॉर्च्यूनर को चला लेने अलग ही मजा आ रहा है, बिकॉज ये मैनुअल है ना, तो मतलब ये एकदम से खतरनाक पिकअप है इसका, मेरी वाली से ज्यादा पिकअप है इसका। अब मुझे लग रहा है कि मैनुअल लेनी चाहिए, बट उसमें मैनुअल है नहीं लेजेंडर में, लेकिन लग चलाने में बिल्कुल सेम ही है जबकि ये 2016 मॉडल है। तो अभी फिलहाल भैया घर पे पहुंच गए, दिन के 2 बज गए और अभी तक हमने कुछ नहीं खाया, तो अभी यहाँ पे कुछ खाएंगे। बाकी सीरियसली बता रहा हूँ मैनुअल चला के बहुत मजा आया, ये गमले वमले मस्त लग रहे हैं। ये आपका रूम है? हाँ भाई। तो अभी भैया के रूम पे आ गए हैं और अभी वेट कर रहे हैं खाने का, बिकॉज सुबह से कुछ नहीं खा के आए, मेरे पेट में तो दर्द दर्द जैसी हो रही है। बाय द वे भैया देखो कितने सारे स्पीकर्स रखे हुए भाई, लिटरली ये देखो इधर भी टांग रखे 2 स्पीकर्स की वजह से, यहाँ पे देखो दीवार ही तोड़ दी भाई। तो अभी एक और भाई आने वाले हैं जिनको आप जानते होंगे, वो भी यूट्यूबर ही हैं, तो अभी उनसे मिलाते हैं। सारे यूट्यूबर गुड़गांव के हैं। एक्चुअली मुझे लगा कि मैं दिल्ली आया हूँ लेकिन गुड़गांव गुड़गांव में हम, और यही एयरपोर्ट पास में यहाँ पे देखना प्लेन ही प्लेन आ जा रहे हैं यहाँ पे। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो गाइस इनसे मिलो, ये है एल्विश यादव, आप जानते होंगे, लेजेंडर वाले सारे इकट्ठे हो गए। हाँ एक साथ ही, हमने तो एक साथ ही ली थी, कर रहे थे हाँ एक्सीडेंट इकट्ठा हुआ था। हाँ बट कोई एक काम करते हैं तीनों को ट्रिप पे लेके चलते हैं। हाँ 3 लेजेंडर साथ में, 4x4 क्यों नहीं ली भाई, मुझे लगता है ऑफरोडिंग में काई करता हूं। नहीं फिर भी यार इतने पैसे लगाए हैं तो 4x4 लेनी चाहिए ना। तो अभी गाइस खाना आ चुका है एंड थैंक यू भाई खाने के लिए, मेरे को ना घर का खाना ही पसंद है इसलिए हमने रास्ते में रुके कहीं पे। तो अभी गाइस खाना पीना हो चुका है मस्त, अब फिलहाल हम जा रहे हैं गुड़गांव घूमने के लिए, पापा जी गुड़गांव घुमाएंगे। तो अभी पहली जगह पे आए हैं लेकिन यहाँ पे बहुत तेज हवा चल रही है,
पहाड़ के टॉप पे आए हैं। गाड़ी यहाँ पे खड़ी है, ऐसा लग रहा है मेरी गाड़ी है। वैसे हमारा प्लान है दोनों लेजेंडर्स को लेके कहीं पे मस्ती ट्रिप पे जाने का स्नो में, तो मेरी ठीक हो जाए उसके बाद जाएंगे। अब जब तक गाड़ी नहीं मिलेगी तब तक ऐसे डोलते रहेंगे, कहीं ना कहीं घूमते रहेंगे फिरते रहेंगे। एक काम करें फिर जयपुर चल दे। नहीं नहीं अभी नहीं, मेरी गाड़ी आएगी तब चलेंगे। हमारा जयपुर का प्लान है, हमारा मुंशियारी का प्लान है, हमारा बर्फ का प्लान है, हमारा रेगिस्तान का प्लान है। भैया ने इतनी खतरनाक वाली लस्सी पिलाई, मेरे को तो नींद आ रही है बहुत तगड़ी वाली। क्या कुछ मिलाया था क्या उसमें? नहीं भाई, वो भी देसी गाय भैंस की थी। इनके घर में भैंस है गाय है ना, तो प्योर लस्सी थी। तो अब जाके कॉफी वॉफी पियेंगे तभी नींद उतरेगी, बहुत नींद आ रही है। ये देखो सरसों के खेत कितने प्यारे लग रहे हैं। ये भैया पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं, पहाड़ों पे, गुड़गांव के पहाड़ों पे। लेकिन रास्ता बहुत प्यारा है, ऑफ रोडिंग है यहाँ पे। चलो फिर ऑफ रोडिंग करते हैं। भाई जगह तो बहुत ज्यादा प्यारी है। तो अभी हम जा रहे हैं सामने वहाँ पे जहाँ पे स्कॉर्पियो जा रही है ना, वो यहाँ पे कर सकते हैं ऑफ रोडिंग। चलो आज फर्स्ट टाइम फॉर्च्यूनर से करेंगे, लेकिन मेरी वाली से नहीं, भैया वाली से। इधर डाल देना नेक्सोन के बगल में। तो अभी हम मस्त जगह पे आ गए हैं, यहाँ पे ऑफ रोडिंग भी करेंगे, यहाँ पे कैफे भी है। ये क्या है, ये क्या है? अरे भाई, भाई कुत्ता मिली साथ में। ओलू ओलू आजा, मैं तेरे को नहीं बुला रहा यार। यहाँ पे बैठने के लिए काफी सही है, देखो चिल मारने के लिए। अपन ट्रैक्टर में बैठते हैं। इसमें लिखा हुआ है प्लीज डू नॉट सिट ऑन दिस। सैनिटाइज सैनिटाइज, ठंड लग रही है भाई। तो कॉफी कैंसिल करके हमने चाय मंगा ली, बिकॉज चाय लवर्स हैं। तो चाय तो पी लिए मस्त, अब चलते हैं ऑफ रोडिंग करने के लिए। तो चलो गाइस अब स्टार्ट करते हैं। इधर पूरी मिट्टी मिट्टी है और यहाँ पे मस्त घुमाते हैं गाड़ी। चलो भैया घुमाएंगे। ओ भाई ओ ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर दिया खतरनाक। ओ भाई भाई अपने को तो कुछ भी नहीं आता। चलो मैं भी ट्राई करता हूँ। तुम कर नहीं पा रहे हो ना, स्पीड बढ़ा और स्पीड बढ़ा। मुझसे क्यों नहीं हो रहा, एक्सपीरियंस नहीं है भाई। कैसे नहीं हो रहा बोल, क्यों नहीं हो रहा यार, मैं भी तो ऐसे कर रहा हूँ। तेरी स्पीड कम हो रही है ऐसा लग रहा है। चलो भैया दोबारा से आगे दोबारा करके दिखाएंगे। यहाँ देखो पूरा गोल चक्रा हो गया। तो अभी ऑफ रोडिंग भी हो गई है, अब चलते हैं घर पे। तो फिलहाल घर पे पहुंच गए एंड एल्विस भैया अभी यहाँ पे आ चुके हैं, तो इनकी फॉर्च्यूनर देखते हैं। बिल्कुल भाई सेम है वैसे तो, बट थोड़ी बहुत अलग हो। नहीं थोड़ी बहुत एसेसरीज लगाई है इन्होंने। भाई ये भी मेरी लग रही है। ओ भाई ये तगड़ा लग रहा है, ये तो लगवाऊंगा मैं। इसमें जैसे ही ये खोलते है ना डोर, तो देखो कितना मस्त आ रहा है नीचे फॉर्च्यूनर, ये मैं लगवाऊंगा। तो अभी यहाँ पे दो फॉर्च्यूनर खड़ी है, दोनों लेजेंडर, बस मेरी वाली नहीं है यार। परसों तीनों के एक साथ खड़ी करके रील बनाई बढ़िया सी। बस मेरी वाली का आने का इंतजार है, परसों आ जाएगी फिर मजा आएगा, फिर तीनों ट्रिप पे निकलेंगे। तो अभी फिलहाल डिनर आ गया, डिनर करते हैं सभी के सभी। ये साग है, ये रायता और बाजरे की रोटी, घी, प्रॉपर देसी गाँव वाला खाना। तो अभी खा पी के हम निकल पड़े हैं इवनिंग वॉक पे थोड़ी आगे तक, और कल हम जाने वाले हैं एक मस्त एडवेंचर में, वो आप देखना ऑफ रोडिंग के लिए। बाकी ठंड उतनी ज्यादा नहीं हो रही है जितनी हल्द्वानी में होती है। तो अभी गाइस घूमते घूमते बारिश स्टार्ट हो गई है, तो हमको जल्दी जल्दी भागना पड़ेगा नहीं तो हम भीग जाएंगे, क्योंकि हमारे में कपड़े भी एक ही जोड़ी है। अरे हाँ हम तो कपड़े भी नहीं लेके आए। तो ये फाइनली पहुंच गए, चलते हैं अब सीधा अंदर। तो ये फिलहाल भैया दूध ले आए हैं, मतलब फुल खातिरदारी हो रही है यहाँ पे हमारी। भाई देवी अभी हम हरियाणा में है, तो हरियाणा में फुल देसी खाना चल रहा है हमारा। घर का है सब कुछ, घर का है सब कुछ, घर का है बिल्कुल प्योर, लेकिन अच्छा लगता है। वैसे हमारा प्लान था होटल में स्टे करने का, लेकिन भैया ने बोला हमारे साथ में रहो, हमारे पास आया होटल जाए फिर फायदा क्या है। तो अभी गाइस रात के बज चुके हैं 12, एडिटिंग कंप्लीट हो गई है, फिलहाल अब मैं सोऊंगा और इस व्लॉग करता हूँ एंड। बाकी गाड़ी दे दी हमने आज, हमको शायद कल परसों मिलेगी अब गाड़ी। तो कल हमारा प्लान है कहीं कल घूमेंगे, थोड़ा बहुत सामान वगैरह लेना है वो लेना है। तो बस फिलहाल इस व्लॉग को एंड करता हूँ, आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। परसों तीनों के एक साथ खड़ी करके रील बनाई बढ़िया सी। रेस हाँ। करेंगे, रेस करेंगे, रेस होएगी। हाँ रेस होगी भाई, मुझे नहीं आती भगानी, पंजे दबाना।